अरण्य क्षेत्र को बचाने का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया, यानी ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बीच अब प्रदेश में से लेकर सियासत शुरू हो गई। भाजपा का ये आरोप है कि कांग्रेस आदिवासियों की जल जंगल जमीन और संस्कृति समाप्त कर देना चाहती है। वहीं हसदेव अरण्य को बचाने के आंदोलन को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने समर्थन दे दिया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर टीएस सिंहदेव चाहते हैं तो पेड़ क्या डगाल तक नहीं कटेगी। और इस बयान के बाद हसदेव अरण्य का मामला अब और सुर्खियों में आ चुका है। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित हसदेव अरण्य को बचाने के लिए ग्रामीण कई महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव ने इतना तक कह दिया कि गांव के लोग एक राय रहें तो मैं आपके जंगल जमीन बचाने की लड़ाई में पहली गोली खाने को तैयार हूं। फिर कोई गोली बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। एक राय होइएगा तब, नहीं तो मैं लाठी डंडा खाए देगा। मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, अगर वे नहीं चाहते तो वहां पेड़ क्या एक डाली भी नहीं कटेगी। सीएम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएस सिंहदेव ने फिर कहा कि मेरी राय मायने नहीं रखती, जो गांव वाले चाहेंगे वही होगा। बाबा साहब का भी बयान आया है, पहली गोली लगेगी मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी, और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पर चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उसके। और जहाँ तक के बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डंगाल नहीं कटेगा। यदि टीएस सिंहदेव क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि वो नहीं चाहते, जब तक उसकी सहमति नहीं बनेगी, पेड़ क्या डंगाल नहीं कटेगी। मैंने हमेशा यही पहल की है, और कल भी मैं गया था तो मैंने वहाँ सार्वजनिक तौर पे भी यही कहा था कि मेरी क्या राय है, ये पृथक चीज है। मेरी राय हजार के लिए पेड़ ना कटने की भी हो सकती है, लेकिन अगर जिनकी जमीन जा रही है वो गांव वाले चाहें कि नहीं, यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ खदान आए, तो मेरी बात का कोई मायने नहीं रहता। तो प्रश्न मेरी बात का नहीं होना चाहिए, गाँव वाले जो चाहते हैं बात वो। हसदेव अरण्य को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की जनता और आदिवासियों को गुमराह कर रही है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर पलटवार भी किया। बाबा बहुत हो गया, कितने दिन अपमान सहोगे? अगर आप में दम है तो आप इस्तीफा देकर और मैदान में लड़ाई लड़ो, और भूपेश बघेल जी से कि अगर सरकार के निर्णयों से एक मंत्री सहमत नहीं है, वो सार्वजनिक रूप से मैदान में आ रहा है, तो आप में दम है तो उनको मंत्रिमंडल से निकाल के दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी की स्टैंड क्या है वो बता, क्योंकि उसी शासन काल में मिला हुआ है। देखिए, यहाँ तक के कोल ब्लॉक आवंटन की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किया। कोल आवंटन है वो केंद्र सरकार के हिस्से में है। पर्यावरण अधिनियम केंद्र सरकार का है, वन अधिनियम केंद्र सरकार का है, तो सारे जो नियम है वो केंद्र सरकार के। अलॉटमेंट भी करने का अधिकार उनको है और अनुमति देने का अधिकार। मामले को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कोयला खदान आवंटित की है, केंद्र सरकार से कहकर आवंटन रद्द करवा दें, ये भाजपा का दोहरा रवैया है। मोनिका दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज़।